हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एलआरडीआई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलआरडीआई से परेशान हैं। सर, एलआरडीआई कहां से पढ़ना शुरू करें यही समझ में नहीं आ रहा है ना। शुरू करें तो कहां से करें, जब शुरू करने जाते हैं तो समझ नहीं आता, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व नहीं होता, और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो चलिए गाइज, आज इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लान बनाएंगे बढ़िया सा, और प्लान बनाने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव दिस पॉइंट। आप किस तरह से अपनी बढ़िया से वो कर सकते हैं प्रिपरेशन फॉर स्पेशली एलआरडीआई। तो गाइज देखो, एलआरडीआई को ना आप डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर सकते हो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर एलआरडीआई फॉर कैट की बात करूं मैं, तो गाइज इसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कर सकते हो। देखो, एक होता है एलआर पार्ट, एलआर मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। दूसरा होता है डीआई पार्ट, ठीक है। और तीसरा एक पार्ट हम बना सकते हैं जिसमें एलआर और डीआई कंबाइंड होती है, उसको हम बोलते हैं एलआरडीआई पार्ट, ठीक है गाइस। तो ये तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्योर डीआई के, कुछ प्योर एलआर के। तो ये कहां से करना है, देखो मैं आपको बता सकता हूं। इसको आपको डिवाइड करना होगा लेवल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेसिक लेवल पे करना चाहते हो तो कहां से करोगे, मॉडरेट लेवल पे करना चाहते हो तो कहां से करोगे, और एडवांस लेवल पे करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सो गाइस, आपको इसको तीन डिफरेंट पार्ट्स में करना चाहिए, ये मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस है आपके लिए। और कैसे कैसे हम लोग इसको डिवाइड करके स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, मैं आपको टेबल बनाकर समझाता हूँ। देखो, एलआर पार्ट अगर आपको करना है, यू वांट टू डू द एलआर पार्ट एंड फ्रॉम द बेसिक लेवल, तो गाइस आपको ना बैंक पीओ के पेपर उठाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ बैंक पीओ, ठीक है। ये आपके हेल्प करेंगे बेसिक्स करने के लिए। डीआई के लिए अगर बहुत बेसिक करना है तो आपको एसएससी लेवल एग्जाम के पेपर लेने पड़ेंगे एकदम शुरुआत करने के लिए। उसके बाद मॉडरेट के लिए आप बैंक पीओ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद कैट पेपर कर सकते हैं 1990 से 2000 वाले, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा। मगर मॉडरेट लेवल फॉर एलआर की बात करूं तो उसमें आपको सिर्फ कैट पेपर ही करने हैं। बैंकिंग आप पहले बेसिक में कर चुके हैं इसका, राइट। तो कैट पेपर करने हैं 1990 से लेकर 2000 तक के, ठीक है। तो फिर एडवांस लेवल पर अगर आप इसे करना चाहते हैं तो अगेन आपको कैट पेपर करने पड़ेंगे, पर 2000 से लेकर 2020 तक के कैट पेपर करने पड़ेंगे। एडवांस लेवल में ये भी यहीं पे आएगा। और एलआरडीआई पार्ट ये जो है, इसका कुछ बेसिक है नहीं गाइस। जब आप एलआर और डीआई करते हैं तो इसका बेसिक अपने आप कवर हो जाता है। एलआरडीआई कैट में पहले आती ही नहीं थी, अब कैट में ये आनी स्टार्ट हुई है। तो अब जो एलआरडीआई कैट में आती है उसके के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कैट पेपर्स। तो कैट पेपर्स आप करोगे तो लेटेस्ट कैट पेपर जो अवेलेबल हैं, जिसमें एलआरडीआई है भी, वो 2017, 18 और 19 के हैं, जो कि मॉडरेट लेवल आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 17, 18, 19, 20 ये आपके पास पेपर्स हैं, तो यहां से आप कर सकते हैं। दिस इज द लेटेस्ट दैट यू कैन डू फॉर द एलआरडीआई पार्ट मॉडरेट लेवल। एडवांस लेवल के लिए गाइस आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट उठा सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी के मॉक टेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं और मैंने अनअकैडमी के मॉक देखे हैं पर्सनली। आई फाउंड देम रियली गुड एंड एट पार विद कैट लेवल, राइट गाइस। तो ये आप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर प्रिपरेशन। कहां से स्टार्ट करें, ये मैंने आपको सेल्फ प्रिपरेशन का प्लान दिया है गाइस। इसके अलावा बुक आप कौन सी रिकमेंड करेंगे, देखो बुक तो मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर तो आप कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मगर अगर आप बुक की बात करें कि कौन सी बुक हमें करनी चाहिए, तो एक बुक आती है गाइस प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स टॉपिक वाइज। तो ये कैट पेपर सारे उसमें हैं और टॉपिक वाइज है एकदम, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो और जीकी पब्लिकेशन की ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर कैट पेपर टॉपिक वाइज ये बुक ले लो, ये तीनों सब्जेक्ट्स में काम आएगी आपके, क्वांट में भी काम आएगी, एलआरडीआई में भी काम आएगी और वर्बल में भी काम आएगी, ठीक है। पर फिलहाल हम इसको एलआरडीआई के लिए इस तरह से यूज करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, और बाद में मॉक टेस्ट। एक और लेवल भी होता है गाइस, एडवांस लेवल के बाद वाला, ठीक है। तो एडवांस के बाद मतलब मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन कहीं से ही प्रैक्टिस करने हैं, तो मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। हाँ, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर आपको दो तीन फायदे हो सकती हैं। एक तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज कर सकते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज मिल जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रॉम द डीआई पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मॉक टेस्ट अगेन अनअकैडमी के मॉक टेस्ट भी हैं और अनअकैडमी के टॉपिक टेस्ट भी हैं। मतलब टॉपिक टेस्ट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर एलआरडीआई। तो एलआरडीआई का प्रैक्टिस मटेरियल अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप फ्री क्लास भी कर सकते हैं गाइस। डेली मैं फ्री क्लास लेता हूं 12 बजे, 12 नून आई हैव अ फ्री क्लास डेली ऑन दी अनअकैडमी, राइट गाइस।
तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके ये क्लास कर सकते हैं। आपको क्लास करने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा पीटी सर लाइव। तो आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए और फ्री क्लासेस स्टार्ट करिए और ये फ्री मटेरियल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको डाउट पूछना है तो अनअकैडमी के ऐप में आस्क अ डाउट फीचर भी है जो आपको रियली हेल्प करेगा डाउट्स करने में। तो गाइस फ्री क्लासेस फ्री मटेरियल मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको हेल्प करेगा गाइस। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सोचते हैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो गाइस 15,750 में प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको अनअकैडमी का, जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, मॉक प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड गाइस। सो बट उसके लिए भी आपको डिस्काउंट कोड लेना पड़ेगा। डिस्काउंट कोड प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी 15,750 है, जिसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी टीचर का सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं कोड और किसी भी टीचर की क्लास कर सकते हैं गाइस। दिस इज ऑल अबाउट इट गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन। एंड और मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी और आप इसको इंप्लीमेंट कर फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।